Good morning student, welcome to Gyanjyoti Online Classes. I am Sujishmita Padhi, your computer teacher. So students, I hope you all are good at home. So students, let's start about chapter number 5 exercise. आज हम क्या करेंगे? Chapter number 5 का exercise करेंगे. और उससे पहले मैं क्या करती हूँ? Chapter number 5 के बारे में आपको थोड़ा remind कर देती हूँ कि हम chapter number 5 में क्या पढ़े थे. हाँ, थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ. Chapter number 5 का जो topic है, वो क्या है? Using the keyboard. तो हम क्या है? बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे. कीबोर्ड का यूजेस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे. कीबोर्ड में कौन सा, जैसे कि कीबोर्ड की बात आती है, आप सब कीबोर्ड देखे हो. कीबोर्ड में क्या रहता है? मेनी कीज रहता है, मेनी बटन रहता है, बहुत सारा. एक नॉर्मली एक कीबोर्ड में कितना जो बटन रहता है? 102. ठीक, 102 बहुत, और कहीं कहीं पर 104 भी रहता है. ठीक है, तो जैसे कि 102 और 104 की से, तो बेसिकली हम सबका भी बहुत सारा कीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट कीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क भी होगा. तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट अबाउट चैप्टर नंबर 5, कीबोर्ड, यूजिंग द कीबोर्ड. उसमें हमारा क्या है, क्या क्या मेन की है, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. देखो, ये है आपका कीबोर्ड. ठीक है, देखो, ये है हमारा अल्फाबेट की, ये है स्पेस बार, ये है कंट्रोल की, ये ऑल्ट की, ये शिफ्ट की, ये कैप्स लॉक, टैब की, एस्केप, और हाँ, ये सब एस्केप की, ये सब है हमारा फंक्शन की, है कि नहीं. यहाँ पर आ गया बड़ा वाला एंटर की. एंटर की देखो दो ठो है यहाँ पर. ये रहा एरो की, ये नंपैड, है कि नहीं. हाँ, तो शिफ्ट की दो ठो रहता है, और कंट्रोल की भी दो ठो रहता है, टैब की भी दो ठो रहता है, है कि नहीं. तो सॉरी, टैब की एक ठो रहता है ना. तो फिर बैकस्पेस रहता है, तो डिलीट की भी रहता है, और क्या रहता है, थोड़ा सा याद दिलाओ. हाँ, देख, ऐसे जो है, ये सब जो है हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंट की है. ये जैसे कि बहुत सारा कीज है, तो इन सब का वर्क भी जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है. ठीक है, तो अल्फाबेट जो की है, उसमें हमारा ए से लेकर जेड तक रहता है, लेकिन वो सिक्वेंस में नहीं है. कैसे है? क्वार्टी की the correct option.
the control and base keys are special keys that चेन
One number. Thank you.
आपका फाइल है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जस्ट नीचे हमारा कंट्रोल की रहता है, कौन सा की रहता है, कंट्रोल की रहता है। फोन नंबर द बेस की यूज टू इरेज Yeah.
में तो लिखने से पहले मैं बेसिक फिर बता रही हूँ। सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका नोट, मैं जो नोट पढ़ाने के टाइम पर जो नोट दी थी वो नोट रहेगा। उसके बाद जाकर आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा। जो क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर लिखी हूँ आप थोड़ा देखो, ठीक क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है। समझ में आया,
नोट्स देना है सारे वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से घर में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग करके लिख, लेकिन उससे पहले फिर मैं बता रही हूँ, पहले हमारा नोट रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।